ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਰੋ ਮਤ। क्या नाम है मैडम का? रीमा मैडम। रो मत, कौन सी क्लास है आपकी? फिफ्थ एट ए। फिफ्थ ए, ठीक। थोड़ी सी फीस रहती थी तो मम्मा भी करवा रहे थे, भीड़ ज्यादा थी तो वो कहते क्लास में बैठ जाओ, कल हम आए थे तो वो कहते कोई बात नहीं पेपर देने लगे। अब हम जब गए तो उन्होंने कह दिया जिनको नहीं है वो बाहर निकल जाओ फटाफट। कौन सी क्लास है आपकी? मेरी फिफ्थ बी है। कौन सी मैडम है? रीमा मैम। सर मसला यह है कि लास्ट ईयर वाला सेम मसला इन्होंने इस बार करता रहा। लास्ट ईयर जो फाइनल पेपर होने लगे ने, आप बच्चा खड़ा है नाल इनका ब्रदर, ये सिक्स क्लास से है वो नाइन्थ क्लास से है, सेम क्लास इन्होंने रिपीट की है। पिछले साल भी इन्होंने पेपर नहीं देने देते, कहते कि सानू पहले फीस दो, ठीक है नाल इन्होंने जो भी सालाना जो खर्चा लेना वो लेना है, उन्हें करके इन्होंने इन्होंने बच्चे पेपर नहीं देने देते। कल मैं आया, कल आने उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बच्चे है पेपर दे दौ, जो भी इन्हों का होगा तुम फीस दोगे असं देनदार हाँ देवे, तुम रिजल्ट उदो देना जो थोड़ा अं फीस दे देंगे। अज फिर उही कारण किया इन्होंने अब पेपर च फेल नहीं पैन दिता बच्चे, पिछले साल के पैसे जो इन्हें जबकि बच्चे इन्होंने पेपर नहीं देते, बच्चा उसी सेम क्लास कर रहा है, पिछले साल के पैसे इस साल फिर मांगते पे ने कि सानू पिछले साल के पैसे भी दियो। पिछले साल के केड़े पैसे है? पिछले साल केड़ी क्लास है ना, लास्ट ईयर 6 सीया 6 क्लास इस वर्ष की है। नहीं नहीं सर, पिछले एनुअल फंड भी प्लस नाल इन्होंने जो फीस बनती है वो भी साढ़े को मांग रहे ने, पिछले साल तो सानू भी दियो। की मांग कर रहे हो? असी तो मांग कर रहे बच्चे ने पिछले साल भी पैसे असी दे रहे हैं, इस साल फिर सानू फिर नहीं उन्होंने पेपर देने दे रहे बच्चे नु, असी तो कहने बच्चे पेपर देने दियो। सब तो वड्डा सर मसला यह है इस टाइम इन्हें पहली गल तो यह भी सरकार वालों दसता से कोरोना 8% फीस वधा सकते, इन्हें फीस 25% फीस वधाई सर, वह भी माँ प्यो ने जमा कराई जिम्मे भी हो सकता है उखे होके सौखे होके। ये हूँ सर अज बच्चों का पेपर है, ये कह रहे कल मैं 3 घंटे लाइन च खड़ा रहा जी, वारी नहीं आई फीस नहीं जमाई, मेरी सिर्फ 2 महीने की फीस पेंडिंग है जी, पिछली भी सारी क्लीयर है, इस साल की भी सारी फीस क्लीयर है। ये हूँ कह रहे भी कोरोना काल वाला 21-22 तिना साल इकट्ठा सानू डिवेलपमेंट फंड दो, अं तो फीस जमा करनी नहीं तो फीस नहीं जमा करनी, साडे बच्चे को कोई नहीं देना सर, मेरा बच्चा रोंदा क्लास। उधर स्कूल के प्रिंसीपल ने ना सारे इल्जामों इनको पिछले साल भी इस साल भी ऑप्शन दी गई थी कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट में फी डिपॉजिट कराइए, लेकिन इनकी फी अभी भी पेंडिंग है। बार बार इनको हमने लेटर्स भेजे हैं, स्लिप्स भेजी हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं, फोन कॉल्स की हैं, पीटीएम में बताया है कि आपके इतने बैलेंसेज हैं, आप बैलेंस क्लियर कीजिए। अब बात ऐसी है, जिन पेरेंट्स की फी क्लियर है, जिनके कोई बैलेंस नहीं है, उन लोगों को, उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को एडमिट कार्ड दिए जा चुके हैं और उनके एग्जाम 17 से शुरू हो रहे हैं। बाकी जो ये पेरेंट्स हैं जिनकी अभी भी फी पेंडिंग है, उनके एग्जाम हम लेंगे, लेकिन हम सेकंड फेज में लेंगे जब उनकी फी क्लियर हो जाएगी। अब उसके साथ इनको ये भी हम ऑप्शन देते हैं कि अभी जो भी इनका अमाउंट पेंडिंग है उसमें कुछ अमाउंट ही अभी डिपॉजिट करवा दें, और 15 मार्च तक का हम इनको फिर से एक टाइम पीरियड दे रहे हैं जिसमें ये अपने बच्चे की फीस डिपॉजिट करा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स इनके सेकंड फेज में होंगे आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ ऑल ड्यूज। सर ये भी स्कूल की तरफ से कहा गया है, स्कूल से बच्चों को बाहर भी किया जा रहा है कि आप बाहर जाइए, आपने फीस डिपॉजिट नहीं की, क्योंकि बच्चे रो रहे हैं। बच्चे को आप देख लीजिए बाहर, किसी बच्चे को बाहर, एक बार बच्चा अगर कैंपस में आ जाता है तो फिर बच्चा कैंपस के बाहर नहीं जाता, किसी बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाता। कुछ पेरेंट्स हैं जो जबरदस्ती अपने बच्चों को लेके गए। सर कितने महीने की फीस होंगे? हाँ जी, फीस आगे सर देखिए अलग अलग है, कुछ की तो अभी जैसे मेरे पास एक आए थे उनकी तो सितंबर से फी पेंडिंग है, कईयों के एनुअल चार्जेस पेंडिंग है, तो जिनकी तो 1 या 2 महीने की फी पेंडिंग थी
ट्यूशन फी अगर पेंडिंग थी उनको फिर भी हमने अलाउ कर दिया कि जिन्होंने बाकी दे दिए वो भी दे देंगे। कुछ लोगों ने हमें एप्लीकेशंस भी दी हैं उसके बाद भी हमने उनको एडमिट कार्ड दे दिए, लेकिन जिनके बैलेंसेस ज़्यादा हैं 20,000, 30,000, 50,000 हम उसको नेक्स्ट ईयर कार्य फॉरवर्ड नहीं कर सकते। टाइम पीरियड दे रहे हैं मार्च तक अपनी फी डिपॉजिट करा रहे हैं, हमें एप्लीकेशन दे दें कि उस डेट तक उनकी फ़ी क्लियर होगी, इनके एग्जाम ले लेंगे फिर जब उनकी फ़ी क्लियर होगी रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। एक पासे तां पंजाब सरकार बच्चों के भविख लई वड्डे वड्डे दावे करती है पर दूजे पासे जिहे मामले उन्हां दावियां दीआं भोलां खोल के रख दिंदे ने। फिरोजपुर तों हकीकत टीवी पंजाबी लई सुखचैन सिंह दी रिपोर्ट। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 99150 85 660।